हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम अबॉर्शन की बात किए थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबॉर्शन के ही बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अबॉर्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस और एक इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस जो होते हैं उसमें मैंने एक टाइप डिस्कस किया था जो कि वो थ्रेटेन था, और उसी का हिस्सा है जो इनएविटेबल। आज हम बात करेंगे इनएविटेबल के बारे में। तो स्पॉन्टेनियस में इनएविटेबल के बात करते हैं। इनएविटेबल अबॉर्शन वो होता है जहाँ कि हम लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसका प्रेगनेंसी जो है वो हम लोग कंटिन्यू नहीं करा सकते हैं, बिकॉज उसे ब्लीडिंग हो रहे हैं और एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं। जब भी पेशेंट आती है और कहती है कि उसको एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं और उसको पेन एब्डोमिनल पेन के साथ ही साथ उसको ब्लीडिंग हो रहे हैं, तो उसमें ब्लीडिंग जो है उसको प्रोफ्यूज हो रहे हैं और साथ में जो पेन हो रहे हैं वो आइटन टाइप के पेन हो रहे हैं, और पेन जो होते हैं वो बैक में भी रेडिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसमें पेन होते हैं। जब हम उसको इंटरनली एग्जामिन करते हैं, जब हम लोग देखते हैं अंदर से, तो उसमें पता चलता है। सपोज दैट ये उसका यूट्रस है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। तो ये यूट्रस है और इसके जो सर्विक्स होते हैं जहाँ से जो होते हैं ये ओपन होता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होने होती है, अबॉर्शन होता है। तो ये यहाँ से जितने भी पार्ट्स रहते हैं इसमें जो अबॉर्ट हो जाते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो जब हम इंटरनली एग्जामिन करते हैं, जब हम मैनुअल एग्जामिनेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट से एग्जामिन करते हैं, तो पता चलता है कि ये जो है ये डायलेटेड रहता है और थोड़ा सा बल्जी रहता है, मतलब कि उसमें से जो कंसेप्शन पार्ट है, अबॉर्ट पार्ट है, वो निकल रहे हैं, साथ ही साथ उसमें ब्लीडिंग रहती है और इस टाइप के मतलब ओपन रहते हैं, ओस जो हैं ओपन रहते हैं, इसको हम लोग ओस बोलते हैं। और यहाँ ओपनिंग आपको या फिर डायलेटेड मिलेगा या फिर वहाँ से आपको फील होगा कि यहाँ से कुछ कंसेप्शन पार्ट निकल रहे हैं। तो इस पर हम लोग कुछ जनरल मैनेजमेंट लेते हैं। इसका अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, साथ में इसको पेन हो रहे हैं तो पेन का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इसके अबॉर्शन में अगर 12 हफ्ते से पहले की अबॉर्शन हो रहे हैं, 12 हफ्ते पहले की अबॉर्शन या 12 वीक्स पहले की अबॉर्शन है, तो इसमें हम लोग जनरली सर्जिकल एक प्रोसीड्योर होता है जिससे कि DNE बोलते हैं, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। वो इंस्ट्रूमेंटल सर्जिकल प्रोसीड्योर है जिससे कि इंस्ट्रूमेंट है वो डायलेट एंड इवैक्यूएट, उसको डायलेट करते हैं, फिर उसको सफाई करते हैं और उसको अगर हो सके तो क्यूरेट भी करते हैं। अगर वो 12 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी है, जैसे कि 12 वीक्स के बाद की प्रेगनेंसी है, तो वो लेट में आता है, तो उसमें हम लोग ये मेडिकेशन के थ्रू भी करते हैं। सपोज दैट ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वो मेडिसिनल जो होते हैं, उससे भी हम लोग उसको ऑक्सीटोसिन के थ्रू उसका कंट्रेक्शन करवा के उस बेबी को मतलब इवैक्यूएट कराते हैं। अगर उसके कुछ रिटेन पार्ट रह जाते हैं तो उसको ओवम से निकाला जाता है। तो इस तरीके से इनएविटेबल में बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक की जो मैनेजमेंट थी उसमें करते हैं। साथ में अब नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस की पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन वो होता है जबकि एक पेशेंट आती है और वो कहती है कि वो अपना हिस्ट्री लेके आती है, कहती है कि डॉक्टर एक ह्यूज मास टाइप का जो हो वो आउट मतलब वेजाइना के थ्रू पास आउट हुआ था, तो उसमें एक ह्यूज मास था और ब्लीडिंग भी हुआ था और पेन भी हुआ था, बल्कि उस टाइम पे ब्लीडिंग और पेन हुआ, अभी भी मीन्स स्लाइट पेन और ब्लीडिंग स्लाइट रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो जो ब्लीडिंग और पेन वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग अगर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो पता चलता है जो यूट्राइन कैविटी होता है इसमें एम्प्टी रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है, और पहले के शेप में जो यूट्रस जो होते हैं वो हो जाते हैं। साथ में ये हम लोग को पता करते हैं बाय ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से, जो कि एक प्रोसीड्योर होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, जिससे पता चलता है कि कम्प्लीटली उसका अबॉर्शन हो चुका है। अगर इनकेस कुछ रहता है तो उसको भी डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन या क्यूरेट करके निकालते हैं। वैसे ही अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन की। ये जनरली बहुत ही कॉमननेस पाया जाता है, ये बहुत ही हॉस्पिटल में क्लिनिकली बहुत ही देखने को मिलता है, जो कि एक लेडी आती है और कहती है कि उसको पेन हो रहे हैं एंड ब्लीडिंग जो है वो परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो ही रहे हैं और पेन भी कंटिन्यू हो रही है, और अपना हिस्ट्री लेके आती है, तो हम लोग उसमें भी एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसका जो ओस रहता है उसमें भी ओस ओपन रहता है और डायलेटेड रहता है, मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ ब्लीडिंग हो रहे हैं और कुछ कंसेप्शन पार्ट जो है निकल रहे हैं, तो वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। इसमें मैनेजमेंट करना होता है, जैसे सेप्टिक का डर रहता है या फिर अदर कुछ पॉलीप बनने का डर रहता है या प्लासेंटा में या कुछ उसमें ज़्यादा ही सेप्टिक का चांसेस रहता है, तो इसका भी मैनेजमेंट करते हैं इस तरीके से। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में इस तरीके से, इसमें अगर अर्ली अबॉर्शन हुआ है तो उसमें भी हम लोग डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं, जिसे मैंने बताया था DNE बोलते हैं। वैसे ही अगर
अबॉर्शन लेट अबॉर्शन है, मतलब बच्चा जो है वो उसमें ऑलमोस्ट मतलब बच्चे जो है फुली मतलब ग्रोथ हो गया है, तो उसमें भी डायलिटेशन इवैक्यूएशन करते हैं, लेकिन अगर उस बच्चे का कुछ पार्ट उसमें रह जाता है तो उसको भी ओपन फोरसेप्स से निकाल जाता है, एक इंस्ट्रूमेंटल है सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट से जिससे ओपन से उसको खरोज के या फिर उसको क्यूरेट करके निकाला जाता है। तो लेट अबॉर्शन में यही होता है कि कंसेप्शन पार्ट जो है उसमें रह सकता है तो उसको क्लीन करना होता है। तो इस तरीके से अबॉर्शन की बात किया मैंने, तो ये स्पॉन्टेनियस की पार्ट थी। स्पॉन्टेनियस में और भी कुछ होंगे तो वो और भी कुछ अबॉर्शन के टाइप हैं तो वो अगले वीडियो में बात करेंगे।